तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और एक अहम जानकारी आपसे साझा करेंगे। इतिहास रच दिया एक बार फिर से इसरो ने। इसरो ने आज लॉन्च किया SSLV-D3 रॉकेट। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:19 पर इसके लॉन्चिंग हुई। EOS-08 मिशन के तौर पर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि आपदाओं के बारे में अलर्ट देगा, खासकर प्राकृतिक आपदाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में वो अलर्ट देगा। दोनों ही सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में लगाए जाएंगे। चक्कर जिस तरीके का ये सैटेलाइट है कि धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई की गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ये उपग्रह आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी रखेगा, भूकंप की जानकारी दे सकेगा, तो प्राकृतिक आपदा के लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। तो धरती की धड़कन सुन पाएंगे, तो पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी। हालांकि भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। बहुत जल्द ये जब काम शुरू करेगा तो उस वक्त भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अब दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। वही पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय दल से मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। दरअसल पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी का यह संवाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओलंपिक में खिलाड़ियों ने असाधारण प्रदर्शन किया है। प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूरे देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। खेलो इंडिया के 28 खिलाड़ी ओलंपिक गए। खेलो इंडिया को और ज़्यादा तवज्जो अब दी जाएगी, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण था जब सभी खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में गए, उनसे कई सवाल किए, उनके एक्सपीरियंसेस जाने, पूछा गया कि ओलंपिक में कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि वो दूसरे देश में गए थे, और ऐसे में उनकी हौसला अफजाई भी करते नजर आए, और जो पदक नहीं जीत पाए उनके लिए कहा कि अभी आगे बहुत कुछ है, आप अपना बस बेस्ट दीजिए। तो वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज होगा तारीखों का ऐलान। घाटी में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता, और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने कल ही खबर चला दी थी कि दोनों राज्यों में आचार संहिता लगने की यह खबर होगी, यानी कि चुनाव तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होनी है, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। आज चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद पहले दफा होगा जब चुनाव होंगे, और इसीलिए और ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद करने की वहां पर जरूरत है। फिलहाल हरियाणा में भी बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि कब चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त 2018 को हुआ था अटल जी का निधन। भारत के 10वें प्रधानमंत्री और भारत रत्न रहे वाजपेयी। प्रखर वक्ता, राजनीतिक दूरदर्शिता और देशभक्ति ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। अटल जी की कोशिश यही रही, चाहे वो देशभक्ति की अलग जगाने की बात हो, राजनीतिक दूरदर्शिता का जिक्र हो, और भारत रत्न तो वाजपेयी रहे ही हैं, प्रखर वक्ता रहे हैं। जब वो बोलते थे तो विपक्ष भी सुनता था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विरोधी भी उनके कायल थे। अटल एक कुशल राजनेता तो थे ही, साथ ही वे अच्छे, बेहद शानदार और कमाल के कवि और लेखक भी थे। अटल जी की कई कविताएं आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, और इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। उनके बारे में अगर उनके जीवन परिचय को समझे तो 16 अगस्त 2018 को अटल जी का निधन हुआ। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल जी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अटल बिहारी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 1996, 1998, तीसरी बार 1999 से 2004 तक पीएम पद संभाला वाजपेयी जी ने। और अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये कि राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक वे सक्रिय रहे। लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार वो चुने गए। उनके कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं को आज भी याद किया जाता है। उनकी इतनी सारी ऐसी बातें कविताओं के जरिए, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता के जरिए, ये उनके किए गए
विकास कार्यों के जरिए वो आज भी हर किसी के जहन में जिंदा है। बंगाल डायरी फिल्म के डायरेक्टर सरोज मिश्रा लापता। सरोज की पत्नी ने उनके लापता होने की आशंका जाहिर की। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म बनाई थी सरोज मिश्रा ने। मिश्रा के परिवार के मुताबिक सरोज को बुलाया था कोलकाता पुलिस ने, इसके लिए वो कोलकाता भी गए थे और इसके बाद से ही वो लापता है। सरोज मिश्रा को इससे पहले इसी फिल्म की वजह से धमकियां भी मिल चुकी हैं। एक बार बंगाल पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था सरोज मिश्रा को और सरोज की पत्नी आज लखनऊ में FIR दर्ज कराएंगी। बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें बुलाया और उसके बाद वो किसी ना किसी वजह से इसलिए लापता हो गए कि पुलिस का इसमें दखल है, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं और इससे पहले भी पुलिस उन्हें हिरासत में ले चुकी है। क्या वाकई में एक फिल्म में दिखाई गई जो प्रतियां हैं वो किसी को इतना हताश कर सकती है? हालांकि गंभीर विषय है, लखनऊ में मामला दर्ज होगा, उसके बाद जांच के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो महाराष्ट्र में जीत के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति। राजीव गांधी की जयंती से कांग्रेस एक कैंपेन शुरू करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस के कैंपेन में शरद पवार व उद्धव ठाकरे भी आमंत्रित हैं। और चर्चा तो ये भी है कि विपक्ष की ओर से उद्धव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी MBA की ओर से तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते सारी पत्ते भी खुल जाएंगे, धीरे धीरे जो सारी लेयर्स है वो भी सामने निकल कर आ जाएगी। हालांकि अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो खास बैठक होने वाली है और जो एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, शरद पवार उद्धव ठाकरे इसमें आमंत्रित है, तो देखने वाली बात होगी कि इस कैंपेन के जरिए क्या कुछ मंथन निकलता है। पीके से ERCP की दिल्ली में आज बड़ी बैठक और राजस्थान की DPR सौंपने के बाद ये बैठक होने जा रही है। ये पहली बैठक है DPR सौंपने के बाद। CWC सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे जल शक्ति भवन में बैठक होगी। इस बैठक में PKC, ERCP की संयुक्त DPR को लेकर बातचीत की जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान से ACS जल संसाधन अभय कुमार मौजूद रहेंगे। ERCP कॉरपोरेशन के MD राकेश गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन अधिकरण को पिछले महीने ही सौंपी जा चुकी है फाइनल DPR। वेबकोस ने DPR से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है और DPR में नए कार्यों को समाहित करते हुए जानकारी सौंपी गई है। तो DPR में जरूरत के हिसाब से किए गए हैं सभी नए काम समाहित। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जन्मदिन कल है। राज्यपाल औरंगाबाद महाराष्ट्र में मनाएंगे अपना जन्मदिन। राज्यपाल करीब 10 बजे रवाना हुए। राज्यपाल का औरंगाबाद में 5 दिन का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। राज्यपाल शपथ लेने के बाद पहली बार औरंगाबाद जा रही हैं और जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में राज्यपाल कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। नए नवेले राज्यपाल हैं राजस्थान के और ऐसे में उनका कल जन्मदिन भी है, तो उनके बधाई देने वालों का, शुभकामनाएं देने वालों का तांता भी लगा रहेगा, लेकिन फिलहाल वो राजस्थान में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में कल मरीजों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कोलकाता के आक्रोश को लेकर राजस्थान में कल मेडिकल शटडाउन रहेगा। वैसे कुछ दिनों से ऐसी ही स्थिति लगातार बनी हुई है और IMA के आह्वान पर जयपुर समेत प्रदेश भर में एक दिन का सत्याग्रह रहेगा। चिकित्सकों से कल सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक बंद का आह्वान है। IMA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा ने इस आंदोलन को लेकर जानकारी दी है। कोलकाता की घटना को लेकर प्रशासनिक रवैये से चिकित्सकों में जबरदस्त रोष है। IMA की केंद्रीय बॉडी ने कल सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे का शटडाउन का ऐलान किया है, लेकिन इस दौरान सभी जगह रूटीन कामकाज, इलेक्ट्रिक प्रोसीजर का काम शुरू बहिष्कार कर दिया गया। हालांकि मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं यथावत रखी गई है, लेकिन कई ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो मौसमी बीमारियों को लेकर है। कई गंभीर भी बीमार हो रहे हैं, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कल अगर पूरा दिन 24 घंटे तक शटडाउन रहा तो जरा सोचिए क्या स्थिति बनेगी। नहीं रहे अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। प्रसिद्ध DRDO के मिसाइल वैज्ञानिक राम नारायण अग्रवाल का गुरुवार को निधन हो गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ने 84 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में अंतिम सांस ली। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को लोग प्यार से अग्नि अग्रवाल और अग्नि मैन भी बुलाते थे। डॉक्टर अग्रवाल ASL के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। डॉक्टर अग्रवाल ने अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को 2 दशकों तक सफलतापूर्वक चलाया।
भारत को प्रमुख मिसाइल शक्ति बनाने में डॉक्टर गरवाल का काफी अहम रोल रहा है। अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अग्नि मिसाइल भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता की रीढ़ मानी जाती है और इस बीच उनके निधन की जानकारी मिली तो ऐसे में उनके चाहने वालों में शोक की लहर है।